ऊंचा बना दो। और चलो नमस्कार आप सभी का
आज के इस ऐतिहासिक दिवस में हम सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में ये कहा गया है कि इस अर्ज पाक में आपका ध्यान चाहूंगी कि इस अर्ज पाक में कितनी ही कहानियां हैं दफन, कि इस अर्ज पाक में कितनी ही कहानियां हैं दफन, यहाँ सुलगती रही रूहे आशिकाने वतन, कि इसी जमीन पे एक ऐसा भी दिन आया था कि सबसे पहले तिरंगा यही फहराया था। और अब आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के मार्गदर्शक और उपस्थिति के समक्ष अपने चंद एक विचार रखे। श्री इंद्रेश जी, मार्गदर्शक, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आज के इस पवित्र एवं देश प्रेम के लोट को शिक्षा में संस्कारों का पहचान करने वाले दिवस पर मैं सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामना और बधाई देता हूं। वैसे तो ईसवी नव वर्ष आने वाला है, लोग उस समय पर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करते ही हैं, परंतु आज के दिन जिन भी वीरों ने, हजारों लाखों करोड़ों ने हमारी स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन, विकास, संस्कृति के लिए बलिदान किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना और स्मरण करना यानी अपना पावन कर्तव्य करना। हम अपने कर्तव्य में पीछे ना रह जाएं, इसलिए उन सब के प्रति श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करता। केवल दो बातें दिमाग में बहुत छोटे से मैं कहूंगा। जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ लाए गए उनको पुस्तकों के अंदर और बोलचाल में वार क्रिमिनल बोला जाता है। अब शायद उन पुस्तकों में तो परिवर्तन नहीं हो सकता, पर आने वाली पुस्तकों के अंदर और लेखों में गलती से भी इस अपराध और पाप को नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा फ्रीडम चाहिए। उनको रोटी कपड़ा मकान का संकट नहीं था, संस्कृति, स्वतंत्रता, सम्मान का। मैं और आप भी सामान्यतः ऐसे लोग हैं कि अगर किसी के घर गए और उसने कितनी भी बढ़िया रोटी दी, पर अगर सम्मान नहीं दिया तो हम बायकॉट कर देते, मुक्त कर आ जाते। रोटी कपड़ा मकान जहाँ मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, वहीं स्वतंत्रता, सम्मान, शिक्षा ये भी उसकी मूलभूत आवश्यकता। और इसलिए इस मूलभूत आवश्यकता बनी रहनी है। पूरा अंडमान निकोबार क्रॉस पर करे, परंतु आज भी यूएनओ के अंदर वो डॉक्यूमेंट कायम है जब लिखा पढ़ा और बोला जाता है सुभाष एक वार क्रिमिनल। हम डिमांड नहीं करेंगे यूएनओ से, क्योंकि हम बैगर नहीं। हम यूएनओ को कहेंगे कि इस पाप से और अपराध से यूएनओ मुक्त होना चाहिए। इसलिए सुभाष को जो वहाँ वार क्रिमिनल का टैग लगाया हुआ है वो यूएनओ ने अविलंब खत्म करना चाहिए, ताकि वो एक किए जा रहे पाप और अपराध से मुक्त हो सके, वह भी अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके। अगर यूएनओ गोइंग विद इनजस्टिस है तो फिर दुनिया में जस्टिस की उम्मीद किससे करेगी। इसलिए उनके प्रति का वार क्रिमिनल का टैग यूएनओ ने तुरंत हटाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि वार की मूल को तो ये कहना चाहिए, ये हो रहा था इतने साल से वो भी अध्यक्ष हैं, उनको ये ध्यान में नहीं आया
कि कितना बड़ा क्राइम हो रहा है। तो इसलिए जब उन्होंने योग को इंटरनेशनल डे में और वो किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी कहने वाली भूल से भी यूएनओ को उसने मुक्त करना है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा यहां पर कहीं ना कहीं जो मैंने कल कहा था उसको केवल दोहराता हूँ। 30 दिसंबर ये है मोस्ट सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस के साथ सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। मैंने तो अपील ये की थी कि इसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ऑफ स्टेट होता है, गजटेड हॉलीडे तो सेंटर डिक्लेयर करता है, पर हर स्टेट को या स्टेट समकक्ष यूनियन टेरिटरी को इवन इन द डिस्ट्रिक्ट भी कुछ छुट्टियाँ करने के अधिकार होते हैं। तो 30 दिसंबर इसको निश्चित रूप से एक हॉलीडे के रूप में और एज ए नेशनल प्लेज, जब पूरा हिंदुस्तान और अंडमान निकोबार यहाँ के SDNC सेक्रेटरी हैं, DGP और सब के नेतृत्व में, पूरा अंडमान निकोबार यहाँ के सांसद हैं उनके नेतृत्व में, जो जहाँ है वो प्लेज करें आर हैप्पी प्रॉस्पर यूनाइटेड इंटेग्रेटेड फुल ऑफ सोशल हार्मोनी जस्टिस, ऐसा अंडमान निकोबार था और बनाएंगे, इस बात के लिए प्लेज करें। इस प्रकार की शुभकामना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है अंडमान निकोबार अपनी खोई हुई पहचान को लाएगा। हम इस क्रम को जरूर पैदा करेंगे देश के अंदर, सरकार में, इवन विपक्ष के लोगों के साथ भी वार्ता करते हुए कि यहाँ पर जो आइलैंड्स के ऐसे लोगों को नाम दिए गए हैं जिन्होंने अत्याचार किया। मैंने कल कहा एक को फोन पर कांग्रेस के नेता को, मैंने कहा आप 19 फॉरेंस का नाम दे देते नो प्रॉब्लम, आप आइंस्टीन का नाम दे देते नो प्रॉब्लम, और आप उसका नाम दे जिसने रानी झांसी को कत्ल किया, तो ये समझ में नहीं आता है। आपने दिया समझ में आता है, पर हमने स्वीकार किया ये अपराध समझ में नहीं आता। इसलिए हम जब इनको हटाएंगे तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश शुड आल्सो वेलकम इट, और उन्होंने कहना चाहिए कि उनके अपराधों को अंडमान निकोबार ने क्षमा करके रिवाइव कर दिया और श्रेष्ठता को दे दिया। मुझे नहीं लगता है ब्रिटिश विल रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि सत्य वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस शुभ दिवस पर उन्हें आप सबको बहुत 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 बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद इंद्रेश जी। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ अंडमान निकोबार द्वीपों के माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे मंच पर आए और उपस्थिति के समक्ष अपने विचार रखें। माननीय उपराज्यपाल महोदय, लेकिन इंद्रेश जी से पहले बोलते अगर आप रिक्वेस्ट करते तो बहुत प्रोटोकॉल के हिसाब से सही रहता, लेकिन क्या बन रहा है उपराज्यपाल महोदय। मैं इंद्रेश जी, कुछ घटना मुझे जानकारी था जिसमें मैं पर एक प्लेट लगा था, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, वाजपेयी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, एक पुराना अंडमान के इतिहास का December 30, 1943 अंडमान में INA बना, पृथ्वी पर लोकल लोग थे, पूरा अंडमान निकोबार का ट्राइबल के आबादी का 30,000। सुभाष बोस धरती पर आए, INA का गाढ़ा बना हुआ, पृथ्वी पर लोग अंडमान के उस जमाने के जिस पर कहते शहीद का वंशज, हम लोग कहते प्री-48 लोकल, उसी परिवार के लोग सुभाष बोस को रुपया दिया 10,000 का अरब रुपया दिया था। उसके पश्चात में कि विजिलेंस का न्यूज था कि शायद बूमिंग होगा, तो 31 तो नहीं गया, 1 तारीख को गया, 31 तारीख को यहाँ से हार्डली दूर होगा 5 किलोमीटर दूर पर
एक गांव था, नित जी गांव के नाम ने बाद पहचान हुआ। फिर वहां में सुभाष बोस गए, मुट्ठी भर झुका लोगों ने फिर उनको रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया था, या आप लड़ो आपके साथ में हूँ, हम आपको दिया, आपको ये जानते थे, आपको देने के लिए मैं आपका आग्रह किया। प्रोटोकॉल को थोड़ा जाहिर धन्यवाद इंद्रेश जी और एमपी साहब के आपने जो सब कहे। माननीय इंद्रेश जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी श्री प्रदीप जी और बाकी जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ थोड़ा सेंसिटिव होता है, एक का नाम भूल जाओ तो अगले दिन उसका चिट्ठी आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, बहुत सेंसिटिव लोग हैं। तो मैं भी सीख गया हूँ फौज में, मैं ज़्यादा प्रोटोकॉल, हालांकि फौज में प्रोटोकॉल बहुत होती है, लेकिन मैं शुरू से ही जवान से लेकर ऊपर तक बिना प्रोटोकॉल के बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत ही एक अहम दिन है जो कि हमारे देश में जिसकी मान्यता मिली है, और इंद्रेश जी ने इतनी खूबी से कल और आज इस चीज़ को इतनी गहराई से पिछले साल भी कहा था, मैंने उनको सुना था और इस साल भी कहा, ये मानना पड़ेगा कि उनकी खूबी है हंसते हुए बहुत प्रेम से अपनी बात समझाते, चाहे किसी को अच्छी लगे या नहीं, लेकिन मैंने आज तक उनको कई बार मिला हूँ, कई बार सुना, आज तक कभी भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई ऐसा भाव नहीं देखा कि वो मतलब उन्हें कहा था वो काम नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर प्रेरणा के साथ प्रोत्साहन के साथ वो कह रहे हैं कि भाई कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इंद्रेश जी को बताना चाहता हूँ कि उनके इस सजेशन से कि ये एक बहुत ही सेक्रेट मोमेंट है हमारे देश की हिस्ट्री विच नीड्स बेटर रिकॉग्निशन, और मैं कहूँगा कि ये जो मोमेंट है और ये जो तारीख है इतिहास, ये एंडमन की तारीख नहीं, ये देश की तारीख है, लेकिन शुरुआत तो एंडमन से करेंगे। तो अगले साल इंद्रेश जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पर इसको हम और बड़े ढंग से करेंगे, इसकी रूपरेखा क्या होगी, आई वुड रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी टू कॉल दी एंड पुट अप द प्रपोजल टू मी, एमपी साहब को कंसल्ट करिए, बाकी हमारे जो लोकल लोग हैं खासतौर से जो जिनके वंशज यहाँ पर पहले आए हुए हैं, दे आर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, प्लीज कंसल्ट एंड ब्रिंग इट अप ऑन फाइल, आई विल अप्रूव। आई थिंक द एस्पेक्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट, बट सर्टनली वी नीड टू पुट इट इन आवर टूरिज्म मैप, प्लीज इंक्लूड इट इन आवर टूरिज्म मैप एज अ इवेंट। तो जरूर न्यूयॉर्क ही बनाए, हैडलॉक में जाके, नील में जाके, कहीं भी जाके, लेकिन 30 तारीख को, बट खाली फ्लैग हॉस्टिंग से तो कई लोग आएंगे, लेकिन कई टूरिस्ट को हमको अट्रैक्ट करना पड़ेगा थ्रू अ कल्चरल एक्सपेरिमेंट टू मार्क द जॉयसनेस ऑफ दिस ओकेजन। ये तो बहुत जॉयफुल लोकेशन है क्योंकि पहली बार भारत का तिरंगा यहाँ पर लहराया। तो इंद्रेश जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सजेशन दिया और इतने कन्विंसिंगली दिया कि आई हैव नो ऑप्शन। आई थिंक आपने जो यहाँ पर रहते हैं और बाकी लोग बाहर से जो दोबारा आए, उन्होंने नोटिस किया होगा कि इसको भी हमने थोड़ा ज़्यादा लाउड नहीं किया, लेकिन इस एरिया को भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। आई थैंक दी पी डब्ल्यू डी, आई रिक्वेस्ट दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी डब्ल्यू डी टू वर्क ऑन इट मोर एंड कम अप विद बेटर आइडियाज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, सो दैट लोग सेलुलर जेल जाए तो वो कहे सेलुलर जेल जाते वक्त पहले यहाँ उतरे फिर सेलुलर जेल, मे बी अ विजिटर्स बुक कैन बी कैप्ट हियर, मे बी अ परमानेंट फोटो एग्जीबिशन कैन बी प्लेस्ड इन अ वाटरप्रूफ मैनर, सो मेनी आइडियाज आर देयर, प्लीज कम अप वन फाइव। देखिए कल बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा फैंस का, और मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि ये इवेंट तो एंडमन के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसको जो एक स्टेचर मिल रहा है, जो एक नेशनल लेवल पे अब इसकी बात आने लगी है, आज नहीं कल कर नहीं 5 साल 10 साल में ये बनेगा ही, पर उसकी शुरुआत फैंस ने की, थोड़ा उसको एक नेशनल रूप देता है। तो
I thank the Mahapurushat and all the office bearers and all the visitors from France and all their local supporters who have made this event possible. हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि लास्ट ईयर से इस साल थोड़ी फैंस की भी संख्या घट गई है और उसकी वजह है, लेकिन लास्ट मिनट पे आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मैं आपके ऑफिस बेयरर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3-4-6 महीने पहले आप करिए और बुकिंग्स करिए ताकि फ्लाइट टिकट्स आ जाए। सी आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज पेइंग फॉर दिस, कई लोगों में क्षमता है नहीं है तो उसके हिसाब से देन वी शुड बी एबल टू अट्रैक्ट अ लार्जर नंबर ऑफ। आज के इस मौके पर मैं खाली, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम दिवस है, तो आई थिंक वी नीड टू टॉक समथिंग सीरियस आल्सो। आई वुड लाइक टू रेज टू इश्यूज हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। द फर्स्ट इशू इस जो मैंने पिछली गवर्नर कॉन्फ्रेंस में, सब जब खत्म होने वाली थी तो सब गवर्नर्स को बुला गया कि भाई एक एक चीज़ बोलिए, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सब बोलिए। तो हमारे गवर्नर साहब बहुत बहुत पॉलिटिकल दिग्गज लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। मैं सबसे जूनियर पोस्ट आई थी, लास्ट में नंबर आया एंडमान निकोबार और पांडिचेरी का, तो वैसे ही यूटी है और उसके बाद एज में भी सबसे जूनियर था। तो मैंने राष्ट्रपति जी से कहा, मैंने कहा सर मुझे तो आई थिंक आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी कि इस गैदरिंग को मैं क्या सजेशन दूँ, यहाँ तो मैं सुनने भी आया साहब तो स्टेट के अंदर यू और सुनिए। मैंने कहा सर एक इशू है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एंड दैट कंसर्न्स द नेशन, and that issue is the relationship between rights and duties. हमारा जब constitution बना था उसमें दोनों का था, और क्योंकि हमारे देश की हालत ऐसी छोड़ी थी ब्रिटिशर्स ने कि there was a greater focus on rights। कई लोग थे जो समाज के पिछड़े वर्ग था, गरीब लोग थे, तो rights की बात पे जोर रहा। लेकिन today the nation has completed many decades of independence, we are talking of becoming leaders of the world stage, but still an exaggerated sense of right is going on in this country, and this is a national issue, this is not a political issue, and every political organization has to, they cannot help it, in election time they have to promise many many things, aur aaj sthiti aa rahi hai ki state ki shamta nahi rahi un rights ko provide karne, और आगे जाके ये क्षमता और कम होती जाए। Therefore, we have to bring a corresponding sense of duties and obligations। आपकी अपने परिवार की तरफ क्या ड्यूटी है? मैं देखता हूँ वृद्ध लोगों को लोग छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में डालना पड़ता है। पता चलता है जब मैं विजिट करने गया कि उनके जो साहबजादे हैं वो तो अच्छा खासा कमाते हैं। Right? Your duties towards your family, your duty towards your society, your duty towards your state or duty, and finally your duty towards your nation. Either way, so I think all of us, और ये खाली government नहीं कर सकती, ये तो हर इंसान को अपने अंदर देख के जितना वो rights ले रहा है उतना duties पे भी थोड़ा ध्यान दे रहा। देखिए अंडमान सब लोग जो आते हो कहते हैं जल साहब आपके पूरे अंडमान वासियों को हम मुबारक देते हैं कि इतना स्वच्छ लग रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर वो हैं। मेरी अपील है कि वी शुड ऑल वर्क विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, इसका कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा कहा है स्वच्छ भारत, लेकिन अगर हम समझते हैं कि गवर्नमेंट स्वच्छ भारत बना देगी तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट विल बी द इंस्टिगेटर, गवर्नमेंट विल बी द पीपल हु विल इसको प्रोत्साहन देंगे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं टॉयलेट्स बनाना ये वो सब करेंगे, लेकिन एवरी सिटीजन हैज टू टेक पार्ट इन देन भारत विल बिकम स्वच्छ एंड वी विल बिकम स्वच्छ फिजिकली बट वी हैव टू ऑल्सो बिकम स्वच्छ मेंटली। आज सोसाइटी दूसरा मेरा पॉइंट है, द रोल ऑफ सोसाइटी। आई थिंक वी एज इंडियंस आर वेरी प्राउड, और भारतवासी सब बहुत प्राउड है अपने अपने संस्कार के बारे में, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर हिस्ट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर टॉलरेंट एटीट्यूड का यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर व्याख्यान किया। बट वॉट इज हैपनिंग आर सोसाइटी, आप पेपर पढ़ लीजिए दिल्ली का, किसी को उठा के दिल्ली का क्या एंडमान का कोई पेपर। So where is our society? Can the police prevent all this? If a relative is molesting a young girl, then where will the police come into our homes? So this is a societal issue. कई कांड पिछले 2-3 साल में ऐसे हुए हैं जो तो दिल को हिला देते हैं। Do we have such people? I think the society has to awaken and regain
the glory that was ours. Regain the high moral ground that India occupied. And I think these were just the two issues that I wanted to raise on this occasion, but I would like to just talk of. देखिए अंडमान निकोबार एक जगह है जहाँ पर हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और खास तौर से नेताजी सुभाष चंद्र, आप देखिए हमारे मरीना पर कितनी बढ़िया स्टैचू बनी है, इसी तरीके से वीर सावरकर जी की और बाकी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है वो बिल्कुल सेल्यूलर जेल के आगे पार्क होंगे। यह नाउ मेकिंग अ मेमोरियल फॉर वीर सावरकर जी, उनकी प्लेट रह गई थी हटा दी गई थी जो भी कहेगा इंडिया डू, but when I did the function, I ensured that it was an all-island function. Every party was present there, people from all walks of life, because he is not a hero of one particular segment. Similarly, Netaji Subhash is the leader of India, freedom fighter who gave us our identity, the first flag. Physically, Azad Hind Sena ne shayad na kuch kiya ho, matlab itna jyada, lekin it was a moral victory. कल इंद्रेशी ने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव आया था कि फौज में भी अगर ये होगा तो हम कैसे इंडिया को कंट्रोल। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने की, देखिए ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और बड़े बड़े लोग हैं, इनकी इज्जत करना, इनको सिर के ऊपर रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज के भी हीरो जो है हमारे फौजी परमवीर चक्र दिवस, और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र के छत्र छाया में एक हमने पहला देश का परमवीर चक्र मेमोरियल बनाया है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाके देखिए, बहुत ही सिंपल और सुंदर मेमोरियल, पूरे जो 21 या 22 लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, जिसमें ऑलमोस्ट 75% है जो मरणोपरांत उनका छोटा बस और उनका नाम, ताकि आज के लोग जाने। कल इंद्रेशी ने बताया इस चीज़, और मैंने कल एक फैंस का बड़ा पुस्तक थी वो पढ़ी, और उसमें आपका चार्टर पढ़ा, बहुत ही बढ़िया चार्टर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैंस शुड टेक द इनिशिएटिव, थोड़ा फौजी लोग यूनिफॉर्म में, आई विल इंक्लूड द अदर ऑल्सो ऑल यूनिफॉर्म, थोड़ा अजीब फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे ये थोड़ा समझ में पूरी तरीके से नहीं आ रहा। ओआरओपी की बात नहीं, उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। मैं आपको एक बात क्या मीडिया वगैरह में बात रिपोर्ट कर दूँगी कि मेम्बरान इस तरीके से आपके पास पहुंच जाएगी। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, देश प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। इस तरह से देश की रक्षा नहीं होगी, जोर से बोलिए, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आइए आ जाइए,
मैडम थोड़ा सा अरे वही सर थैंक यू सर ना जब बोर्ड तब उनको दिखाइएगा वो हाँ राजीव गांधी का है वो वही आप ठीक रहेगा बोलो मछली बाकी सब लोग
जाइए। Lion. 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 Lion.
सावरकर ही इसी जेल सागरिका 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 है ना। हाँ, समुद्री का ये समुद्री का है।